गिरोह में काम करने वाले फर्जी पत्रकारों ने एक महिला को गांजे के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। महिला से हजारों रुपए ठग लिए थे। महिला ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी पत्रकारों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। कटनी जिले के एक आंटी गांव में रहने वाली प्रेम बाई पिछले एक महीने से ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान थी। फर्जी पत्रकारों का एक गिरोह लगातार प्रेम बाई को गांजे के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। ये गिरोह महिला से हजारों रुपए अट चुका था। पानी हद से गुजर जाने के बाद महिला परेशान होकर पुलिस से शिकायत करने पहुंची। पीड़ित महिला प्रेम बाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और बंटी नामदेव नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने फर्जी पत्रकार बनकर महिला से ठगी के आरोप को कबूल भी कर लिया। इसके साथ ही इस गिरोह में सुमित जायसवाल, नरेश बजाज और मनोज परिहार नाम के तीन आरोपी और शामिल थे। इसकी जानकारी देते हुए एसडीओपी शालिनी परस्ते ने कहा कि तीनों आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम काटी की एक महिला है, उनके द्वारा एक लिखित सूचना दी गई कि बंटी उर्फ बाल किशन नामदेव और उसके साथ ही सुमित जायसवाल, नरेश बजाज, मनोज परिहार, इनके द्वारा जो एटीवी न्यूज है इसका जो है फर्जी पत्रकार बनकर इनके द्वारा एक माह पूर्व भी 10,000 रुपये की मांग की गई थी और आज दिनांक को भी 10,000 रुपये की मांग की गई थी। तो जैसे ही थाना प्रभारी को पता चला, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित अवगत कराया और कार्रवाई की। तो प्रथम दृष्टया उन्होंने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया 384/419/420/34 का। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।